पूर्वांचल विश्वविद्यालय सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, चाहे आप किसी भी क्लास में हों। वीडियो की शुरुआत करते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय का परीक्षा फल जो 2021 में आया है, उसमें बड़े पैमाने में छात्रों के भविष्य के साथ लापरवाही की गई है। दिए गए परीक्षा फल में ज़्यादातर छात्रों के अंक पत्र में इनकम्प्लीट लिख दिया है, जिसका मैंने आपको मैटर बता ही दिया था कि उसमें बोला गया कि छात्र ने खुद गलती किया है। उसको छोड़ते हैं, जो फिलहाल की अपडेट है उसको देखते हैं क्या अपडेट है। जबकि छात्रों के विषयों की विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार दिया था। काफ़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने बीएड व अन्य उच्चतर शिक्षा के लिए आवेदन किया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए परीक्षा फल में अधूरापन होने के कारण काउंसलिंग कराने में असमर्थ हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, ये तो सभी को पता है, या मानसिक रूप से परेशान हैं। हम सभी मांग करते हैं कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल इसमें सुधार कर पुनः परीक्षा फल जारी करने का आदेश दिया जाए, ताकि हम छात्रों के साथ न्याय हो सके। ठीक है, तो ये आपका आजमगढ़ से अपडेट है फिलहाल का। पूर्वांचल विश्वविद्यालय परीक्षा फल में धांधली का आरोप लगाया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कई छात्र, सैकड़ों छात्र जो कि फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी जारी हुआ उसी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। तो इसमें देखिए, एक सबसे बड़ी अपडेट ये है कि ये लोग जो कलेक्ट्रेट में धरना दिए हैं आजमगढ़ में स्टूडेंट ने, उन्होंने साथ में एक ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन डीएम को दिया है और वो ज्ञापन बोला गया है कि राज्यपाल जी को सौंपा जाएगा। ये बड़ी अपडेट है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो 2021 का रिजल्ट जारी हुआ उसको लेकर के सबसे बड़ी आज की अपडेट है। कि अभी तक तो आप लोग इसको धरना में ही देख रहे थे, लेकिन छात्रों ने ज्ञापन दिया है और राज्यपाल के पास ज्ञापन जाएगा, उसके बाद देखिए वहाँ से क्या सूचना आती है वो आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमारे यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं, कोई आए तो चेक भी कर सकता है, सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन आज की ये लेटेस्ट अपडेट है कि रिजल्ट को लेकर जो इनकम्प्लीट का सिस्टम है उसको देखते हुए छात्रों ने धरना फिर से दिया और इसके साथ साथ डीएम को ज्ञापन दिया और वो डीएम ज्ञापन जो है राज्यपाल तक पहुंचाएंगे। ये लेटेस्ट जानकारी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो के साथ।